नमस्कार मित्रों मित्रों आज सवार थी मेहसाणा अमदावाद थान जामनगर राजकोट कूड़ा विरमगाम हिम्मतनगर तथा घना बदा विस्तार में वरसाद चालू है। हजू समग्र गुजरात में 8 तारीख सुधी वरसाद आववानो छे, साथे मित्रों भारे पवन पण फूंकावानो छे। मित्रों आपणे आजना वीडियो में बिल्कुल लाइव जोवाना छीए के गुजरातना कया विस्तार में कई तारीखे अने केटला वागे तथा केटलो वरसाद आववानो छे। आजे दिवसभर वादा क्या क्या छवायेला रहेशे तथा ठंडी अने धुम्मसनुं प्रमाण केटलुं रहेशे, तो मित्रों तमे चेनलमां जो नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लो। बाजूमां जे बेलनुं निशान आवे छे तेने प्रेस करीने ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी लो अने वीडियोने तमारा मित्रों सुधी अवश्य शेर करजो, जेथी ते पण हवामानी माहिती बिल्कुल लाइव तेमना फोनमां जोई शके। अने मित्रों तमे कमेंटमां लखो के तमारा विस्तारमां केटलो वरसाद छे। मित्रों 6 तारीख गुरुवार अने सवारे 9 वाग्या छे। अहींया तमे बिल्कुल लाइव जोई शको छो के मेहसाणा अमदावाद थान जामनगर राजकोट अहींया मित्रों अत्यारे हाल वरसाद चालू छे तथा पवननुं प्रमाण लगभग नहिवत छे। 6 तारीखे अने बपोरे 1 वागे ऊना वेरावळ अमरेली जूनागढ़ गोंडल पोरबंदर भाणवड राजकोट चोटीला सुरेन्द्रनगर मोरबी जामनगर सलाया द्वारका मांडवी गांधीधाम कूड़ा सुरेन्द्रनगर विरमगाम अमदावाद धोड़का हिम्मतनगर लुणावाड़ा आ बधा विस्तारों में मित्रों वरसादनी आगाही करवामां आवे छे। मित्रों 6 तारीखे अने रात्रे 8 वागे वेरावळ जूनागढ़ अमरेली भावनगर ऊना कंडला धारी विसावदर बगसरा तुलसीश्याम बाबरा गढ़ा सोनगढ़ बोटाद बरवाला बानगढ़ खंभात जंबूसर वडोदरा चांपानेर पीपलोद दाहोद आ बधा विस्तारों में मित्रों वरसादनी आगाही करवामां आवे छे। मित्रों 7 तारीखे अने सवारे 4 वागे वडोदरा दाहोद भरूच आमोद राजपीपळा बोडेली गोधरा पेटलाद कच्छना नलिया गांधीधाम तथा द्वारका जामनगर आ बधा विस्तारों में वरसादनी आगाही करवामां आवे छे। मित्रों 7 तारीखे अने बपोरे 2 वागे ऊना वेरावळ जूनागढ़ अमरेली गोंडल जसदण राजकोट चोटीला सुरेन्द्रनगर मोरबी कूड़ा गांधीधाम बाडली नलिया खावड़ा लखपत राधनपुर पालनपुर मेहसाणा आ बधा विस्तारों में वरसादनी आगाही करवामां आवे छे। तथा 7 तारीखे मित्रों पवननुं जे प्रमाण छे ए पण वधी जवानुं छे। मित्रों 8 तारीखे अने रात्रे 2 वागे वलसाड नजीक लो प्रेशर बन्युं छे, तेथी वलसाड सूरत वडोदरा दाहोद आ बधा विस्तारोमां वरसादनी आगाही करवामां आवे छे। पछी आ जे सिस्टम छे मित्रों ए मध्यप्रदेशमां जती रहे छे, तेथी गुजरात पर कोईपण प्रकारनी वरसादनी आगाही नथी अने 9 तारीखथी हवामान एकदम सूकू रहेशे। 6 तारीखे अने सवारे 9 वागे समग्र गुजरात पर वादळ छવાયેલા છે। 8 તારીખે આ વાદળાની તીવ્રતા ઓછી થઈ જશે, જ્યારે 9 તારીખ પછી ગુજરાતમાં ક્યાંક છૂટાછવાયા વાદળ જોવા મળી શકે છે અને 10 તારીખ પછી ગુજરાત ઉપર એક પણ વાદળ જોવા નથી મળતું। મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર તમે વાદળાનો બિલકુલ લાઈવ સેટેલાઇટ મેપ જોઈ શકો છો। અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં વાદળ છવાયેલા છે અને 8 તારીખ સુધી આ વાદળ છવાયેલા રહેશે તથા વરસાદ પણ થઈ શકે છે। અને મિત્રો 7 તારીખથી પવનની જે ગતિ છે એ પણ વધી જવાની છે।